अच्छे होंगे और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह सुबह मैं उठ के आई हूँ, मैंने नहाया भी नहीं है, अभी चली आई हूँ और मेरे बाल बहुत सफेद हो गए और हम लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए। बाहर बिना पानी खाएगा अर्जुन और हम लोग आए अपने यहाँ इटावा की फेमस टिक्की वाले भैया के टिक्की खाने के लिए आए हैं। इसके बाद बाकी काम करके हम लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं आए क्योंकि जल्दी आ गए थे मार्केट खुलने से पहले। आओ इसको पकड़ो, खा लो और खाओगे, पहले ये खा लो फिर और खा ले। जाओ माँ के साथ मीठ टिक्की खा लो, बिना मिर्ची की है, जाइए खा ले, बहुत टेस्टी टिक्की है। देखो जी देखो पनीर की है, जाओ खा लो। नहीं नहीं पहले उनकी शॉप उधर थी, इधर इस गली में यही वाली शॉप तो है, ये वाली इनकी अब नहीं है ज्वेलरी, बदल गया इनकी शॉप। पहले हम लोग यहीं से रहते थे, क्या नाम था इनका, बबलू भाई, बबलू ही नाम था, क्या था है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सहरा वहरा ज्वेलरी। नहीं हल्दी वाली नहीं, नॉर्मल जो ऐसे फैंसी ज्वेलरी आगे मिलेगी। पहले भाई यहाँ ये दुकान थी वो चली गई क्या, ज्वेलरी मिलती। हाँ इनके पास तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं अभी। यहाँ पर से मोती मोल माला मिल रही है, आगे शॉप होगी ज्वेलरी मैचिंग ज्वेलरी चाहिए भी। चलो चलो आओ, टाइम वेस्ट नहीं करते, आ जाओ अर्जुन ना जो काम आ जाओ। इनके यहाँ से पिछली बार लेने गए थे तुम्हारे साथ ही, कितना सारा सामान तुम्हारी शादी में, कितने सारे सामान ले गए थे ना। हाँ क्या नाम था, बबलू उबलू करके कुछ नाम था ना इनका। चलो टाइम भी हो गया ना यार, 12 साल लोग गए। चलो तो ये हमारे का फेमस मार्केट है जहाँ पे शादी से रिलेटेड सारा सामान मिलता है, भगवान का सारा सामान मिलता है। महंगा दे रहे लेकिन भैया बहुत मेटल में देखा आपको, मेटल हाँ मेटल में दिखा दीजिए। ये तो तुम्हारे पास है ना, वैसे ही है ना, तुमने लिया है और डिजाइन देखो। माऊ राशि मांग रहा देना, तो यहाँ चल रही है पूर्ति की मेहंदी और लग भी गई है। कि भैया आप तो मेहंदी की प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे हो, हम तुम्हारी बहन है जैसी, तो हम रुपये कम नहीं कर सकते। आगे पीछे भर के लगाओगे, नहीं बेल आएगी, बेल आती है तो भैया रहने दो, नहीं भर के लगाओ तो फिर बात भी है। हाँ एक बेल बना दोगे तो क्या उसमें, हाँ फिर यहाँ तक लगाओ बेल। रुद्र तुम देखो, अब तो सुंदर मासी से मिले हो यार, देखो भैया इतना लगा लो, 200 भर के लगा लो, तो भर के चूड़ियां इतनी। पहले आदमी बताओ कितने, ये तो हम लोग जस्ट मार्केट से आए हुए थे और देखिए मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया और मैं रेडी हुआ हूं, सूट पहना है। और ये रुद्र रो रहा भाई मम्मा की, उनकी रील बनाने के लिए, हमारी एक भी रील नहीं बन पाती जो जरूरी है, उनकी मम्मा की रील ना छूट जाए। अरे रुद्र रो नहीं बेटा, तुम घुमा रहे हो, इलाज तो बाहर से चलेगी अब भैया। हे एवरीवन वेलकम टू माय चैनल, होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे घर में मेहंदी का फंक्शन है पूर्ति का, तो सब लोग हरे हरे कपड़े पहन के आए हुए हैं, दीदी हैं, जूली है और आरती दीदी, सालू और रुद्र अलग रो रहे हैं। पूर्ति का फंक्शन हो गया स्टार्ट और हम सब ने मोस्टली सूट पहना है, सिर्फ आरती दीदी साड़ी पहनी है, बाकी सब लड़कियों ने सूट पहना हुआ है। और ये है मिराज का लुक, मैंने फ्लावर भी लगाया है और मैं भी मेहंदी लगवाऊंगी अभी। और
चलो अभी मैं एक रील बना लेती हूँ खुद से अपनी स्टैंड पे लगा के, क्योंकि आरती दी तो किसी की हेल्प नहीं करती, अपनी खाली खड़ी हो जाती है ऐसे करके। तो कोई लगा है? इनका वो ये वो वाले हैं, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। लगाना तो मेरे स्टैंड पे लगाओ ना, रखो ना, पहले अपना बनाने जा रहे, पहले लाइट जला के आते नीचे से। यही बना लो आंटी, नीचे कोई है भी? है आयुष दीपक, दोनों कमरे में। फिर से बताओ। हाँ पुट बताओ, और बताओ पुटी, इसको पुट बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? किसी कहना चाहते हैं वो भी कहो, तुम पुटी कह रहे हो अपने बारे में क्या? तो अपने बारे में दो शब्द बोले, बारे में क्या बोल सकती हूँ? आप लोग कहेंगे पुटी के बारे में अच्छा कुछ कमेंट प्लीज। अरे यार बोलो कुछ, बोलो मुझे अच्छा बोलना है। हाँ अच्छा बोलना है, स्क्रिप्टेड है ये मैम, याद नहीं आ रहा अभी, स्क्रिप्टेड है मैम, आपको स्क्रिप्ट दी थी आपने, बोला क्यों नहीं यार? अच्छा जो आपने लास्ट में दी थी। हाँ वो वाला बोलना है, बहुत अच्छी है, मुझे उसकी बहुत याद आएगी। कैसे याद आएगी? वहीं रहेंगी बगल में, पड़ोसी तो होते हैं। बोल रही है झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ कुछ नहीं बोलना, सच बोलना है। मैं बोलूं? बोलो। पूर्ति दीदी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, इतनी मस्त मस्त डिशेस बनाती हैं, कम कम खिलाई हैं लेकिन ठीक है। तुमको क्या बोलना है? कुछ नहीं, मेरे को याद नहीं आ रही, सच्ची में ब्लैंक हूं मैं। पूर्ति दीदी टॉर्चर बहुत अच्छा करती है। पूजा अच्छे कमेंट करो, तुम बोलो मुझे सिर्फ कहा दिमाग में और कुछ चल रहा है, अभी बात बोलूंगी, अभी बोलो और कुछ चल। मम्मी अच्छा तुम बताओ तुम्हारी बिटिया कैसी है? बहुत अच्छी। मम्मी रोने लगी, मम्मी के पास जाएंगे नहीं। अब बता जीजा जी की बारी है, जीजा जी बताएंगे आपकी साली साहिबा में क्या करे। बहुत अच्छी लड़की है, हाँ। जिसके घर जाए उसे बहुत खुश रखे, तारीफ करने लायक है, बहुत समझदार भी है। हाँ। चलो पूर्ति तुम्हें बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल गया। आपकी पूर्ति कैसी है? सही है। आंटी आप बताओ, दुल्हन बढ़िया है? आंटी आप बताओ कैसी है दुल्हन? सब हंसाती रहती, खुद हंसती है। सही है बात, जब ये बात तो सही है, खुश रहती है, कुछ भी बोलो बुरा नहीं मानती है, कभी कभी बहुत बिल्कुल नहीं मानती है, लड़ती तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, लड़ने में तो वो बेचारी कुछ जानती नहीं है, लड़ने के नाम पे कहना पड़ता है बोलने के लिए, शांत नहीं रहती, हंसती है और हंसाती है। दीदी से पूछ के आती, पूर्ति की फर्स्ट फ्रेंड है, कहाँ है उनको बुलाया जाए। रहनू दीदी भैया बोलो अपनी पूर्ति के बारे में कुछ, तुम्हारी पूर्ति कैसी है, जाने वाली है? बोलो भैया। अरे रो मत, बताओ पूर्ति दीदी कैसी है तुम्हारी? कैसी है पूर्ति दीदी? अच्छी है। अच्छी अच्छी है। बोले होने वाले जिया जी से कहो कि पूर्ति दीदी का ख्याल रखना, कैसे क्या कहोगे उनसे? बहुत ध्यान रखना, बोल दो। तो मेरी दीदी का बहुत ध्यान, जल्दी बोलो फटाफट, बोलो बोलो क्या बोलोगे जिया जी से? तो सोच रहा हूँ पर मन की बोली। हाँ कोई बात नहीं, बस पूर्ति दीदी कैसी है? अच्छी है। अच्छा चलो भाई सबके ओपिनियन, बाकी लोगों के ओपिनियन मैं नीचे लेके देती हूँ आपको, क्योंकि मैं जा रही हूँ नीचे और बाकी घर के लोग नीचे, यहाँ पे अंधेरा, एक्चुअली लाइट निकल रही है। और ये है मेरा सरेला सा भाई, इसका ओपिनियन मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे अंधेरा है। अपनी बहन के लिए दो शब्द बोलिए, अच्छे शब्द बोलना है, कोई बुरे शब्द नहीं, क्योंकि वो जाने वाली है तो हमें अपने पुराने गिले सिक्के मिटवा के अच्छा अच्छा बोलना है। कुत्ते और कौन बचा? जूली ने बोली दिया। आंटी बताओ तुम्हारी बिटिया कैसी है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत सोने वाली। बस अभी मंडप घर में घड़ गया है। और कौन बचा बता बुआ, तुम्हारी भतीजी कैसी है? मेरी भतीजी बहुत सुंदर है। हाँ सऊदार है, सऊदार है। हाँ। दादी बताओ आपकी बिटिया कैसी है? कुछ लोग बाकी है जिनको मैंने बोला नहीं, क्योंकि अगर उनसे बोलते तो वो रोने लगते, इसलिए मैंने उनसे ओपिनियन नहीं मांगा। और मेरी तरफ से तो 100% पूर्ति अच्छी है। और कुछ लोग घर में ऐसे हैं जिनसे स्टेटमेंट मांगो तो रोने लगते हैं और दूसरों को रुला देते हैं। कौन घर के सभी सदस्य? और वैसे मैं खुद ही बहुत सुंदर लग रही हूँ। और इधर चल रहा फोटो शूट, किसमें बेटा किसका? बहुत मिस नहीं हमें तो आजकल वही अच्छी लगने लगी।
कितनी पे ये देखो आरती दी कितनी बार हेयर स्टाइल बन चुकी तुम्हारी आशी बहुत स्मार्ट कर रहे मैं लगाई आरती दी आरती दी बार्गेनिंग करेंगे क्या 300 रुपए में तुम्हारी कितनी बार बार क्या लगाए थे ठेकेदार ऐसे ही होते हैं।
के।